वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम सिंटेक्स इंडस्ट्री की लेटेस्ट अपडेट देखने वाले और लेटेस्ट बात भी देखने वाले। तो सिंटेक्स इंडस्ट्री स्टॉक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं पिछले 2 दिनों से सिंटेक्स इंडस्ट्री बंद हो चुका है, तकरीबन मूवमेंट नहीं स्टॉक के अंदर और कुछ भी यहाँ पे हलचल भी नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते कि सिंटेक्स इंडस्ट्री को रिलायंस और एक्रे ने एक्वाई किया है, उसके कारण यहाँ पे आप देख सकते कि सिंटेक्स इंडस्ट्री की कोई भी मूवमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। तो सिंटेक्स इंडस्ट्री कब तक ऐसा रहेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो, पर यहाँ पे आप देख सकते कि लाभ पिछले कई दिनों से यहाँ पे गिरावटी देखने को मिली थी सिंटेक्स स्टॉक के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते कि पिछले 2 दिनों से यहाँ पे 21 मार्च को जैसे क्लोजिंग दी थी तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते कि एक अच्छे मूवमेंट कुछ यहाँ पे चार्ट ओपन ही नहीं किया सिंटेक्स स्टॉक ने। मीन्स यहाँ पे क्या सिंटेक्स इंडस्ट्री डिलिस्ट हो चुकी है क्या, वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में तकरीबन। तो ये BSE NSE पर आज से खरीद या बेच नहीं सकेंगे, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन BSE पर आज से खरीद या बेच नहीं सकेंगे इस कंपनी के शेयर, मुकेश अंबानी खरीद रहे कंपनी। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंटेक्स इंडस्ट्री की यह न्यूज़ है तकरीबन। यहाँ पे ये कंपनी का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कंपनी के शेयर्स को सेल भी नहीं और बाय भी नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है तकरीबन। तो यहाँ पे आगे की न्यूज़ भी देख सकते हो, सिंटेक्स इंडस्ट्री स्टॉक एक्सचेंजेस BSE और NSE ने सिंटेक्स इंडस्ट्री में ट्रेडिंग को बैन कर दिया। मीन्स ट्रेडिंग यहाँ पे आप देख सकते अभी से नहीं हो जाएगी, आज यानी मंगलवार 22 मार्च कल से यहाँ पे स्टॉक में किसी भी खरीद या बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और ACRE ने सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण के लिए बोली जीत ली है और अब सिंटेक्स के शेयर्स डिलीट कर दिए गए। मीन्स सिंटेक्स के शेयर्स को डिलीट कर दिया गया है, इसलिए इनमें मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही। क्या है मामला, कपड़ा कंपनी सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के लेंडर्स जो है रिलायंस इंडस्ट्री और यहाँ पे आप देख सकते हैं ACRE ज्वाइंट बिड को मंजूरी दे दी है और कर्ज में फंसी सिंटेक्स इंडस्ट्री इन दोनों दिवालियों समाधान के प्रयास पर में से गुजर रही है। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिलीट की गई है सिंटेक्स इंडस्ट्री को। तो यहाँ पे आप देख सकते आगे भी पढ़ सकते हो, सिंटेक्स इंडस्ट्री एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और एसेट ARC जो कंपनी है वो साथ संयुक्त रूप से समाधान योजना से अनुसार यह प्रस्तावित है कि कंपनी के मौजूदा शेयर पूंजी को शून्य कर दिया जाएगा और कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE और NSE से हटा दिया जाएगा। सिंटेक्स की लेनदारों की समिति ने सर्वसम्मति से RSI और RSE द्वारा समाधान योजना के पक्ष में मतदान किया। तो ये थी लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे अपडेट्स दे सिंटेक्स इंडस्ट्री स्टॉक के लिए।